हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑटो क्लिकर के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करके सब दिखाऊंगा। तो ऑटो क्लिकर कैसे काम करता है, जो कि जाहेज़ राइडर एप्लीकेशन में सेट किया जाता है ताकि आर्डर सब जो भी आए सब करीब का आए। ऑटोमेटिक वो करीब का आर्डर जो रहता है एक्सेप्ट हो जाता है, जिस पर आप सेट करेंगे उसी पर एक्सेप्ट होगा, चाहे 12 रियाल पर करें, 14 रियाल पर करें या 15 रियाल पर करें। तो उसके बारे में आज मैं पूरा डिटेल बताऊँगा। जैसे जैसे मैं एप्लीकेशन में बताऊँगा सेम वैसे ही आपको करना है। सबको पता है कि जाहेज़ में बहुत दूर दूर का आर्डर आता है और जो करीब का आर्डर आता है वो जल्दी एक्सेप्ट होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑटो क्लिकर लगा के चलाते हैं और जो ऑटो क्लिकर नहीं लगाते हैं वो उनसे एक्सेप्ट होता ही नहीं है 12 रियाल वाला आर्डर। तो उसके बारे में आज पूरी डिटेल बताऊँगा मैं। तो वीडियो सिर्फ 5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा मैं, बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, ताकि एक भी पार्ट मिस ना हो पाए। और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। तो चलते हैं अब मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं सब आपको A to Z करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको मोबाइल में जाना है, सीधा डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आपको ऑटो क्लिकर। ऑटो क्लिकर पे जाने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन दिख रहा है ऑटो क्लिकर, इस पर टच करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी इंस्टॉल हो रहा है, 8 MB का है, इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे ऐड आ गया है, 5 सेकंड का ऐड है, अभी हट जाएगा। अब ये ऐड हटने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है आपको, जो भी लैंग्वेज है आपको सेलेक्ट करना, इंग्लिश में ठीक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे स्किप कर देना है इसको, यहाँ पे परमिशन मांग रहा है, अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का जो है परमिशन मांग रहा है, इसको भी अलाउ कर देना है यहाँ से। उसके बाद बैक जाना है आपको। अब मेन सेटिंग यहाँ पे है, ये नीचे जो प्लस का निशान दिख रहा है यहाँ पे आपको टच करना है। यहाँ पे टच करने के बाद नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए, जैसे मैं डाल रहा हूँ ऑटो क्लिकर 12। अब यहाँ पर ये जो सेट हुआ है इसमें आप देख रहे हैं ये तीसरे नंबर पे जो है एक 3 डॉट दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। फिर से ऐड आ गया, थोड़ी देर के बाद ये ऐड हट जाएगा। तो ऐड हटने के बाद से इसको जो टच करने के बाद 3 डॉट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू लिखा है, न्यू पे टच करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ये सेटिंग में जाना है, अभी इसको जो है ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर जो ऑटो क्लिक ऑफ लिखा है इसको ऑन कर लेते हैं, अलाउ कर देते हैं। अलाउ करने के बाद बैक जाते हैं, फिर से न्यू पे टच करना है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जो 12 रियाल का आर्डर होता है, 12 रियाल का जो आर्डर होता है उसका एक स्क्रीनशॉट आपको रखना है। जैसे मैं इस तरह स्क्रीनशॉट लिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले कर रखा हूँ इसका, तो इसी को सेट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले यहाँ ट्रिगर एरिया पर टच करेंगे, स्टार्ट पे करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर उसको ओपन करेंगे, वो फ़ोटो जो स्क्रीनशॉट लिया है गैलरी में इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो खाना बना है इसमें टच करेंगे। इसमें टच करने के बाद ये आ जा रहा है खाना, इसको पहले हम छोटा कर लेंगे दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी। अब इस खाने को ले जाकर हमको सेट करना है यहाँ जो 12 रियाल लिखा है, तो 12 रियाल पे इस तरह सेट कर देंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे हम टच करेंगे, यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं 12 रियाल लिख के आ गया है। तो यहाँ ओके दिया है, ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आप एक्शन बटन दिया है, ये जो एक्शन है इस पे टच करेंगे, तो इस पे दिया है क्लिक करना है या स्वीप करना है। तो जाहिज़ में जो ऑर्डर रहता है स्वीप करने वाला रहता है, स्वीप करके एक्सेप्ट होता है, तो स्वीप पे टच करेंगे। स्वीप पे टच करने के बाद अब यहाँ ड्यूरेशन दिया है, इसको हम क्या करेंगे इसमें सिर्फ 1 डालेंगे, 1 डाल के ओके कर देंगे। 1 डालने के बाद ये नो स्वीप पोजीशन डिफाइन लिखा है जो ये खाने में, इस पर टच करना है, स्टार्ट करना है। अब हमको फिर से वही फ़ोटो ओपन कर लेना है जो स्क्रीनशॉट था मोबाइल में। तो इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टच करने वाला दिया है, तो उस पर हम टच करेंगे।
टच करने के बाद देख यहाँ पे एक गोल खाना आ गया है, तो इसको ले जाकर यहाँ स्टार्टिंग में इसको सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सही का निशान दिख रहा है, तो सही के निशान पे टच करेंगे। फिर ये दूसरा खाना आ गया है, तो दूसरे खाने को हम लेके जाएंगे एंड पे, यहाँ पे ले जाके सही का निशान दबा देना है। अब सही का निशान दबाने के बाद यहाँ ओके लिख के आया है, ओके कर देंगे। अब ये सेट हो चुका है, फिर यहाँ नीचे ओके दिया है, इसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख के आ गया इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली। ये काम कैसे करेगा अब यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे बैक जाना है आपको, बैक जाने के बाद यहाँ प्ले का बटन दिख रहा है, प्ले पे आपको टच करना है। फिर यहाँ स्टार्ट नाउ पे टच करना है। टच करने के बाद आपको क्या करना है, सीधा जाना है जाहिर राइडर एप्लीकेशन में। राइडर एप्लीकेशन में जाने के बाद जब आप यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएंगे, तो ऑनलाइन होने के बाद यहाँ पे जो प्ले का निशान दिख रहा है इसको टच कर देना है। तो अब ये काम करना चालू हो गया। अब जब भी आपका अगर 12 रियाल का ऑर्डर आएगा वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा और ये 100% वर्किंग है। तो सेम इसी तरीके से करना है जैसे मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करके जैसे ही सेट किया हूँ सेम वैसे ही आपको करना है। और वीडियो से बने रहे मेरे भाई, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से बने रहे मेरे भाई।